करा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है देखिए साइज लेने का आसान तरीका। यहाँ से एक नंबर से ऐसा लेंथ के लिए यहाँ से ऐसा टेप रखना है। देखिए ये लेंथ है शोल्डर के पास से, आपको 1 इंच का नंबर टेप रखना है और ये नीचे दामन में 42। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, इसको इस तरह 42 लेंथ लिख लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेना है। शोल्डर इधर से इस तरह, देखिए 11 नंबर यानी 11, ये सिलाई से ये सिलाई तक शोल्डर को लेना है। तो अब हम शोल्डर में लिखेंगे 11। इसके बाद अब बगल लेंगे हम 3rd नंबर, जिस तरह की मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि बगल 3rd नंबर पे आता है और बगल लंबाई है, इसलिए टेप को हम खड़ी रख देंगे और इस कोने से बगल को स्ट्रेट हम ले लेंगे। देखिए 6 इंच है बगल, बगल को अब हम 6 लिख लेंगे। अब आता है नेक्स्ट चेस्ट यानी कि छाता, चेस्ट। अब छाते को हम इस कोने तक लेंगे। देखिए 19.5, 19½। अब हम यहाँ लिख लेंगे 19½। अब आता है कमर की लंबाई, जो कि हम टेप को इस तरह करके लेंगे। देखिए हम कमर की लेंथ अब लेते हैं 13 इंच पे। 13 इंच पे लेके अब हम ऐसा टिक कर सकते हैं और इसी टिक पे हम चौड़ाई को भी लेंगे 18 इंच। अब हम यहाँ लिख देंगे वेस्ट की लेंथ 13, वेस्ट की चौड़ाई 18। ये हो गई वेस्ट की चौड़ाई। अब हम नेक्स्ट लेंगे लेंथ। देखिए लेंथ यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, वेस्ट लेंथ है 18.5 इंच और अब हम पहले हिप लेंथ है 18.5 इंच। अब हम हिप की चौड़ाई लेंगे, जैसा कि हमने 18.5 इंच पे लिया, तो अब टेप को इसी के पास रख के हिप की चौड़ाई लेंगे। हिप की चौड़ाई है 20 इंच, देखिए 20 इंच। और अब हम आखिरी में लेंगे दामन, आखिरी में अब हम लेंगे दामन, जो कि इस तरह से दामन भी अब हमारा 20 इंच है। अब हमने ऐसा ले लिया। अब आता है आस्तीन की लंबाई। अब ड्रेस को हम आस्तीन की लंबाई लेंगे यानी कि स्लीव। आस्तीन की लंबाई लेने के लिए हम आस्तीन को सही कर लेंगे। देखिए आस्तीन की लंबाई है 18 इंच। अब हम लिखेंगे आस्तीन की लंबाई 18 इंच। अब हम लिखेंगे आस्तीन की चौड़ाई, आस्तीन की चौड़ाई है 5 इंच। अब हम लिखेंगे यानी कि मोरी 5 इंच। अब है आस्तीन का शेप, देखिए आस्तीन का शेप इस तरह लेना है। ये जो स्टिचिंग का माया है, आधा इंच का टेप ऊपर छोड़कर यहाँ से ये कितने इंच पे ढलान किया हुआ है वो देखना है, 4.5 इंच। देखिए ये 4.5 इंच पे ढलाया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर, लेकिन 4.5 नहीं, 4 इंच पे हम लेंगे आस्तीन का शेप 4 इंच। अब हम लेंगे कट बगल। कट बगल ड्रेस की कटिंग हुए बाद आता है, इसके लिए मैंने इसे डैश रखा हुआ है, इसे अभी नहीं डाला है। अब गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई हम ड्रेस को ऐसा कर लेके, देखिए ये गले की चौड़ाई लेने का तरीका। गले की चौड़ाई लेंगे हम इस तरह, गले की चौड़ाई है 5.5 इंच। गले की चौड़ाई 5.5 है, हम यहाँ गले की चौड़ाई 5.5 लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको आधा आधा कर देंगे। 5.5 का आधा 2.75 आता है, तो 2.75 इंच लिख देंगे इसके सामने, 2.75 इंच लिख देंगे। अब सामने का गला, सामने के गले को हम ऐसा मापेंगे 6 इंच। अब पीछे का गला 5.5 इंच। और अब हम माया, जो अंदर के ड्रेस में माया रहता है, इधर एक्स्ट्रा कपड़ा 1.5 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, तो माया ये 1.5 और 2 इंच है। इस तरह हम ड्रेस को माप सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कटिंग का तरीका बताऊंगी।